बोलना। तो ये है दोस्तों ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन का डार्क एडिशन मॉडल, जो कि लुक्स के मामले में तो अभी काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर ये लग रहा है। अभी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं आपको, की जो इसमें कुछ ऐसे यहाँ पर मिलती है। स्मार्ट की आपको इसके अंदर मिलेगी, 4 बटन आते हैं की के अंदर, लॉक अनलॉक के बटन से, फॉलो में हेडलैम्प्स का बटन है और पीछे का टेलीएट खोलने का भी बटन आपको इस की के अंदर मिलता है। बाकी लुक्स आप देख लीजिए सामने की तरफ से टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन मॉडल का, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कैरेक्टर के साथ में ये गाड़ी आती है और काफ़ी सेफेस्ट एसयूवीज में से एक है इंडियन मार्केट की। हेडलैम्प्स अगर आप इसके देखेंगे तो एलईडी टर्न इंडिकेटर से प्रोजेक्टर में आपको इसमें हेडलैम्प्स मिलते हैं और साइड में ये कुछ हैलोजन का सेटअप आपको मिलेगा। नीचे फॉग लैम्प्स है और फुल्ली ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलती है। बाकी सिल्वर इंसर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने की तरफ से, जो कि एक सामने की तरफ से देखने पर भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग इसे बनाता है। ट्री एरो डिज़ाइन में फ्रंट ग्रिल यहाँ पर रेगुलेटर के सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रेन सेंसिंग इसमें वाइपर्स आते हैं और टाटा की बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है टाटा नेक्सॉन के अंदर। बाकी साइड में अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो डार्क की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है, हैश डार्क, यानी कि डार्क एडिशन का ये अंदर अभी आ चुकी है। 3.9 मीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है, यानी कि 4 मीटर से अंदर की ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। साइड प्रोफाइल आप एक देख लीजिए, व्हील्स आप देख सकते हैं 5 स्पोक में इसमें आपको अलॉय व्हील्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बल्कियर लगते हैं। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 215 सेक्शन के टायर है, 60 की प्रोफाइल है और 16 इंचेस के ये ओवरऑल व्हील्स है। टाटा की ब्रांडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पीछे की तरफ इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, सामने इसमें आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। बाकी फ्यूल टैंक ये कुछ है, अंदर से ही आप इसे खोल सकते हो, बाहर से नहीं खुलेगा। ये ऊपर की तरफ शार्फिन है और ये कुछ सिल्वर रूफ रेल्स आप देख सकते हैं। पीछे से एक लुक आप देख लीजिए, टेल लैम्प्स आप देख सकते हैं एलईडी डिज़ाइन में, इसमें पूरे टेल लैम्प्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे रिफ्लेक्टर्स है और पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। रिवर्स कैमरा जो आपको मिलेगा वो यहाँ पर मिलता है। वाइपर से पीछे हैमर स्टॉपलाइट इसमें आता है और पीछे का बूट अभी खोल कर देखते हैं, आप यहाँ से इसे खोल सकते हो। और 350 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस दिया हुआ है। पार्सल ट्रे आता है पीछे और यहाँ पर आपको चार्जिंग का स्लॉट भी दिया हुआ है। बाकी 60-40 सीट्स का भी इसमें ऑप्शन आपको मिलता है। ये कुछ स्पेयर व्हील आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ, और टूल किट जो है आपको ये यहाँ पर मिलती है। पंक्चर किट भी आपको यहाँ पर जो कुछ दी गई है। अभी इसे क्लोज़ करते हैं, 210 मिलीमीटर्स का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। टेल गेट अगर आप इसकी खोल कर देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। 3.9 मीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है पीछे से लेकर सामने की तरफ तक। अगर आप इसके मतलब डोर का डिज़ाइन देखते हैं पीछे का, तो फुल्ली आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर में फुल्ली आपको ब्लैक इंटीरियर यहाँ पर पूरा देखने मिलता है। फिनिश जो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो पूरी आपको लेदर की फिनिश दी गई है, जो कि पहले नेक्सॉन में नहीं आती थी। पावर विंडोज के कंट्रोल है, स्पीकर्स की प्लेसमेंट है और ये कुछ है पीछे का इंटीरियर। आपको इसमें फुल लेदरेट में इंटीरियर यहाँ पर दिया हुआ है। पीछे की सीट्स अगर आप इसके देखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेगमेंट में सबसे कंफर्टेबल अगर आप किसी गाड़ी की सीट से तो वो नेक्सॉन की है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस है, पैरों को भी आप इजीली अंदर की तरफ स्ट्रेच आउट कर सकते हो। पीछे के पैसेंजर्स के लिए एसी के वेंट्स है और ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो फुल ब्लैक रूफ आपको इसमें मिलती है। तो ये कुछ पीछे की तरफ से पूरा व्यू है और इंटीरियर में पूरा आपको ब्लैक और क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है देखने के लिए। अंदर से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रंट में अगर आप देखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। बाकी फ्रंट सीट्स पर अभी हम चल कर देखते हैं। फोल्डेबल ओवर व्यू हम सबको इसमें मिलते हैं, लॉक अनलॉक करने पर ये फोल्ड भी होते हैं और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ में आते हैं। और एक फीचर आपको इसके अंदर मिलता है कि आपको ना इसमें फॉलो मी हेडलैम्प्स का भी फंक्शन मिलेगा, जिसे अगर आप गाड़ी कहीं पर खड़ी करते अंधेरे में तो गाड़ी को ईजिली आप यहाँ से ढूंढ सकते हो एक ही बटन को प्रेस करके। ये भी फीचर आपको इसमें दिया हुआ है। बाकी अंदर बैठ कर देखते हैं, इस तरफ भी आपको हैश डार्क की बैजिंग यहाँ पर देखने मिलेगी डार्क एडिशन मॉडल के अंदर। बाकी ड्राइवर साइड डोर के ऊपर अगर आप देखते हैं तो मिरर्स को फोल्ड करने के रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। 4 बाउंडोज के कंट्रोल है, स्पीकर्स की प्लेसमेंट है और नीचे भी आपको यहाँ पर ग्लास होल्डर्स के लिए जगह जो कुछ दी गई है। अंदर का डिज़ाइन आप एक पूरा देख लीजिए, फुल्ली मतलब ब्लैक फिनिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी भी लगती है और स्पोर्टी कैरेक्टर इसके अभी हो चुके हैं पूरे के पूरे। सीट्स अगर आप इसके देखेंगे ना तो लेदर में इसमें पूरी सीट्स आपको दी गई है, ये कुछ लेदरेट सीट्स आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और रिक्लाइन भी आप यहाँ से जो कुछ है कर सकते हैं। बाकी ये कुछ पूरा आपको व्यू मिलता है फ्रंट डैशबोर्ड का। बिल्ड क्वालिटी मतलब कोई सवाल ही नहीं है, टाटा की बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही होगी। 5 स्टार सेफ्टी रेटेड ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अगर आप सामने देखेंगे तो अल्ट्रोस खड़ी है, उसमें भी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आती है। तो मतलब सेफ्टी के मामले में कोई भी आप मतलब ऐसे डाउट नहीं निकाल सकते।
टाटा की गाड़ियों के अंदर। लेदर रैप में स्टेरिंग व्हील है, हॉर्न कुछ ऐसी आती है। ये जो कंट्रोल से म्यूजिक सिस्टम के रिलेटेड सभी आपको कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। इस तरफ ये क्रूज कंट्रोल के रिलेटेड सभी आपको कंट्रोल्स यहाँ पर देखने मिलते हैं। वाइपर्स के रिलेटेड कंट्रोल से रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल ये कुछ आपको मिलते हैं। बाकी अंदर अगर आप देखेंगे तो फुल्ली डिजिटल आपको स्पीडोमीटर यहाँ पर देखने मिलता है। RPM ये कुछ इस तरफ आपको ये शो करता है। बीच में MID के अंदर भी कई सारे फीचर है जो आपको ये शो करता है। टाइम CT इको नॉर्मल जैसे कई सारे फीचर ये दिखाएगा। यहाँ पर ये टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम का भी फीचर आपको दिखाता है, यानी कि कौन से टायर में अभी कितनी हवा है, ये कई सारे फीचर आपको शो करेगा। इस तरफ ये फ्यूल गेज आपको दिखाएगा। म्यूजिक सिस्टम अगर आप देखते हैं तो 7 inches का आपको इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। 4 speakers आते हैं, 4 tweeters है, 8 speakers का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको इसमें दिया हुआ है हरमन की तरफ से। बाकी अपडेट एक आया था नेक्सॉन के अंदर पहले, तो यहाँ पर पहले आपको बटन्स मिलते थे, तो ये भी एक चेंज इसमें आपको मिलता है कि यहाँ से अभी बटन हटा दिए गए हैं। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की आपको कनेक्टिविटी इसके अंदर मिलती है। ब्लूटूथ भी ये सपोर्ट करता है। नीचे आएंगे तो AC के रिलेटेड आपको सभी कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं देखने के लिए। एक्सप्रेस कूल का भी फंक्शन आपको इसके अंदर मिलता है, जिससे आप एक ही टच में गाड़ी की मतलब फुल ब्लास्ट में AC कूलिंग ऑन विंडोज में रोल डाउन, मतलब एक ही टच में गाड़ी की जो AC है फुल ब्लास्ट के साथ में गाड़ी के अंदर चली जाती है, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है कूल डाउन जल्दी से हो पाती है। यह इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है। AMT का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको 3 modes मिलेंगे, CT, इको और स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ 3 modes आपको इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबॉक्स के अंदर भी थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिलती है, और अंदर ये कुछ थोड़ी बहुत स्पेस आपको यहाँ पर दी गई है। स्लाइडिंग में इसमें ये हैंड रेस्ट आता है। लेदर आप में आपको ये यहाँ पर हैंड रेस्ट भी मिलेगा। बाकी ग्लोबॉक्स अगर आप इसका देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा डीप है, और कूलिंग का भी सिस्टम आपको इसके अंदर मिलता है, जिसे आप कुछ भी ठंडा होने के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखते तो फुल्ली आपको ब्लैक इसमें रूफ मिलती है, सनरूफ। अभी हम इसकी खोल के आपको बताते हैं, कुछ इस प्रकार से खोल सकते हो, ये कुछ है सनरूफ का सिस्टम। बाकी इसे क्लोज कर दें, ऐसे कुछ ये आप इसे खोल सकते हो। वैनिटी मिरर है। सनरूफ के रिलेटेड आपको सभी कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। लाइट्स के रिलेटेड सभी कंट्रोल्स है, और ड्राइवर साइड वैनिटी है जिसके अंदर आपको मिरर नहीं मिलेगा। बाकी यही सब कुछ फीचर्स है दोस्तों नेक्सॉन डार्क एडिशन के अंदर। बाकी नेक्सॉन का जो देखने का मज़ा है वो तो सामने से ही है। फॉलो में हेडलैम्प्स का फंक्शन आपको इसमें दिया हुआ है। बाकी दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अहमदनगर से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, टाटा मोटर्स मैक्स में आप आ सकते हैं जो कि अहमदनगर में आपको पड़ता है। बाकी शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आपको नेक्सॉन डार्क एडिशन कैसे लगी आप हमें नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।